देशभक्त न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर कुरुक्षेत्र से आ रही है, जहां पर किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी को कोर्ट में आज पेश किया गया था। कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत जेल भेज दिया गया है। हरियाणा में सूरजमुखी की खरीद एमएसपी पर करने के बवाल खड़ा हो गया था कल, और हिरासत में लिए गुरनाम सिंह चढ़ूनी समेत 9 किसान नेताओं को पुलिस ने दोपहर बाद कुरुक्षेत्र जिला कोर्ट में पेश किया गया। अदालत में सभी ने जमानत लेने से मना कर दिया गया। इसके बाद सभी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। बीते कल चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे जाम करने पर गुरनाम सिंह चढ़ूनी और दूसरे किसान नेताओं को हिरासत में लिया गया था। किसानों ने रिहाई के लिए सरकार और प्रशासन को 11 बजे तक का अल्टीमेटम दिया गया था। इस बीच करनाल पहुंचे राकेश टिकैत ने कहा, ऐसा पहली बार हुआ कि किसानों पर एमएसपी को लेकर लाठीचार्ज हुआ हो। अब देश में दिल्ली से बड़ा आंदोलन एमएसपी पर होगा। कुरुक्षेत्र में आगामी रणनीति बनाकर इसका ऐलान किया जाएगा। टोल प्लाजाओं पर भी किसानों का धरना, वहीं किसानों की गिरफ्तारी के विरोध में किसानों ने टोल प्लाजा पर भी प्रदर्शन किया। हिसार, सिरसा, रोहतक, करनाल, अम्बाला, कुरुक्षेत्र समेत गोहाना के सोनीपत में भी कई जगह धरने प्रदर्शन रहे। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर रिहाई के लिए किसानों की रिहाई नहीं हुई तो पूरे हरियाणा की सड़कें जाम कर देंगे। किसान कॉल करते ही सारे टोल प्लाजा पर जाम कर देंगे। आप देख सकते हैं जहां पर गुरनाम सिंह चढ़ूनी पुलिस हिरासत में सामने नजर आ रहे हैं। साथियों, हम तब तक लड़ेंगे जब तक हम जीत नहीं जाते। मेरा सारे देश के किसानों से अनुरोध है कि सारे देश के किसान इस मुद्दे के ऊपर इकट्ठे हों और हमारी लड़ाई जारी रहेगी। इन्होंने 307 के अवैध मुकदमे दर्ज किए हैं, जो वह किसी तरह भी नहीं बनता, और हमारे किसी आदमी ने कल कोई शरारत नहीं की। तो साथियों, मेरा संदेश है कि सरकार के जुल्म का मुकाबला करना है, और हम तब तक जेल में रहेंगे जब तक सरकार नहीं मान जाती। क्या कोर्ट में पेश किया, क्या कहना चाहिए कोर्ट में पेश किया गुरनाम सिंह चढ़ूनी और 9 लोगों को, क्या कार्रवाई की पुलिस ने? हाँ, पुलिस ने आज जो है हमारे 9 बंदों प्रधान गुरनाम सिंह चढ़ूनी के साथ कोर्ट में पेश किया, और सभी को जो है जुडिशियल कस्टडी में 14 दिन के लिए भेज दिया गया है, और इसमें सभी साथी जो है आज जेल में चले जाएंगे। और इसमें जो है पुलिस ने कोई पुलिस रिमांड नहीं मांगा है, और सब 14/21/6 को दोबारा कोर्ट से पेश हुए। कौन सी धाराएँ लगाई गई, किन धाराओं? धाराएँ तो बड़ी जो है संगीन लगाई गई हैं, जो किसी भी तरीके से उचित नहीं है, क्योंकि 307 जैसी धारा इन्होंने लगाई है कि सभी किसान, आप किसी भी वीडियो में देखें, बिल्कुल नियत्थे थे। तो 307 जैसी धारा का कोई मतलब नहीं बनता है, और बड़ा शांतिप्रिय ढंग से ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, और उसके ऊपर जो है प्रशासन ने पता नहीं किस दबाव में, वो तो वही जाम बता सकते हैं, कैसी संगीन धाराएं बिना किसी आधार के लगा दी गई हैं, जो सरासर गलत है और किसानों के साथ अन्याय। तो आगे अपील करेंगे, ऑब्जेक्शन में जाएंगे आगे? अभी हम देखते हैं पूरा, अभी हमें जो रिमांड पेपर अभी मिला है उसको पढ़ करके जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा वो हम करेंगे। अभी जो है जमानत के बारे में विचार किया जाएगा कि लगानी है नहीं लगानी है, वो एक अलग मुद्दा है। थैंक यू।